जय एम बी मोबाइल लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। ओप्पो A9 2020 जो बैटरी डैमेज है, पूरी तरीके से डैमेज बैटरी है, तो ये बैटरी हमें रिप्लेस करनी है। कस्टमर का कहना है चालू में मोबाइल बंद हो जाता है, कैसे बंद होता है, क्या बंद होता है, वो हमें नोटिस करना है पहले, उसके बाद ही बैटरी चेंज करनी है, क्योंकि फोल्ड का ही नहीं पता होगा तो बैटरी चेंज कैसे की जाएगी। ओके चलो पहले देखते हैं फोल्ड क्या है। ये ऑन ऑफ स्विच है, मैंने दबा दिया है, मोबाइल ऑन हो गया। अब मोबाइल में दिक्कत क्या है आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो ओप्पो आके चला गया है और मोबाइल ऑन नहीं हुआ। एक्चुअली इसकी बैटरी कितनी है वो भी आपको मैं दिखा दूं। जैसे कि आप देख सकते हो बैटरी के परसेंटेज कितने हैं, और जैसे हमने मोबाइल ऑन किया, मोबाइल ओप्पो लिया और ये 79% है। ओके 79% है, जैसे हम निकालेंगे वैसे ये बंद हो जाएगा, झटके से बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम जान लिया आपने, बैटरी चेंज करने पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हो ये कंपनी की बैटरी है जो हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है, और पूरी तरीके से फिटिंग करने के बाद हमने नट मार दिया है। एक कस्टमर आ गया था, उससे बात करते करते इस बंदे ने, जो कैमरा मैन है, उसने फिट कर दिया है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे आपको और इतनी डिटेल में बता भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये फिंगर को चालू में लगाना ज़रूरी होता है। आप देख सकते हो इसको साइड में ऐसे रखो और फिंगर को अच्छे से सेट करना होता है। फिंगर को हम सेट कर देंगे, फिंगर को जैसे ही सेट करेंगे वैसे ही इसको साइड में ऐसे रख देना होता है। तो रखने के बाद है ना, और प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमने पूरी तरीके से गम नहीं लगाया है, थोड़ा कम प्रमाण में लगाया था, उसको अच्छे से गम लगाना होता है। ज़्यादा करके कॉर्नर पे और ये 2 से 3 फीट जगह ज़्यादा लगाना होता है, तभी वो नॉर्मली चिपकेगा, ज़्यादा गम नहीं मारना है। ओके इस टाइप का गम मारोगे तो दोबारा खोलने में और निकालने में आसानी रहेगी और इजीली आपका मोबाइल खुल भी जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो हमने इस मोबाइल की बैटरी अच्छे से इंस्टॉलेशन कर दी है, और वो भी परफेक्ट जगह, और 77 बैटरी ओके एकदम परफेक्ट इंस्टॉलेशन, कोई ना प्रॉब्लम होते हुए कंप्लीट सॉल्यूशन। स्केल अप कर दो। जैसे कि आप देख रहे हो हमने बैक ढक्कन लिया है, जो स्विच ऑफ का प्रॉब्लम था वो अच्छे से सॉल्व हो गया है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था बैटरी कैसे क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, और वो अचानक जो स्विच ऑफ हो जाता वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। बैटरी का परसेंटेज भी बढ़ गया है, नई बैटरी लगा दी तो परसेंटेज तो बढ़ना ही पड़ना है। जैसे कि आप नोटिस कर सकते हो हमने अच्छे से फिटिंग कर दिया है इसको, कस्टमर को इतने इतने बजे देना भी है। ये है ओप्पो का A9 2020 जिसमें हमने न्यू बैटरी इंस्टॉलेशन कर दी है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो कमेंट कीजिए, और जैसे ही फ्री मोबाइल रिपेयरिंग क्लासेस हमारा चालू है
किसी को इंटरेस्ट है तो नोटबुक लेके बैठोगे और आधे में वीडियो देखते तो कोई मतलब नहीं है, पहले से लेके लास्ट तक वीडियो देखोगे तो ही कुछ समझ में आएगा, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, धन्यवाद।